पलामू के एक युवक को महुआ डांड में गोली मार दी गई। इस गोली चालन की घटना में युवक की जहां मौत हो गई है, वहीं इस पूरी घटना में एक निर्दोष व्यक्ति को भी गोली लगी, जिसका इलाज रिम्स में किया जा रहा है। मेदिनीनगर बैरिया चौक निवासी सफीर अंसारी का पुत्र जमील अंसारी को अपराधियों ने टारगेट करके गोली चलाई। इस घटना में जमील अंसारी को 3 गोली लगी। मौके पर ही जमील ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि जमील अंसारी का आपराधिक इतिहास रहा है। मेदिनीनगर में संचालित एक गैंग का सक्रिय सदस्य के रूप में जमील अंसारी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी दे चुका है। हालांकि विगत कुछ महीनों से जमील पलामू छोड़ चुका था और बंगाल में रह रहा था। कुछ दिन पहले ही वो वापस पलामू लौटा था और महुआ डाड स्थित लुरगुम्मी गांव में ससुराल गया हुआ था। ससुराल में ही गांव के चौक पर जमील बैठा हुआ था कि अचानक एक बाइक और कार पर सवार कुछ लोग पहुंचे। उन लोगों को देखते ही जमील भागने लगा, लेकिन जमील की रेकी कर पहुंचे अपराधियों ने पीछा कर उसे टारगेट कर उस पर गोली चलाई। भाग रहे जमील को 3 गोली लगी। इस पूरी घटना में एक निर्दोष ग्रामीण तिवारी नायक को भी गोली लगी। तिवारी नायक को प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं जमील अंसारी की इस घटना में मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे SDPO राजेश कुजूर ने बताया कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। उन्होंने इस पूरी घटना में गैंगवार को वजह बताया। अपराधियों को देखते ही जमील भागने लगा था। इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जमील अपराधियों को पहचानता था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात कर रही है।